गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट हो रहा है, हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। इसराइल खुद को बहुत ताकतवर समझता है, पेशावर अफवाज मुकाबल फौजों से लड़ती हैं, पेशावर फौज नहाते बच्चे कत्ल नहीं करती, गजा के बच्चों को देखकर आंखें मिलाना मुश्किल हो गया, इसराइली मजालिम के नतज दुनिया जल्द देखेगी, वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर ने आलमी बरदरी को खबरदार कर दिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी को डेढ़ माह हो गया, गजा में हर तरफ तबाही की दर्दनाक दास्तान, शहदा की मजमू तादाद 13,000 हो गई, 6,000 फलस्तीनी लापता, इसराइल का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला, डॉक्टर समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए, अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा, रिफा के मशरक में 2 घरों पर बमबारी से 11 अफराद जान से गए। फूल जो बिन खिले मुरझा गए, इसराइली हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 5,500 हो गई, 1,800 बच्चों के मलबे तले दबे होने की इतलात हैं, जिनमें से अक्सरियत के जामहक होने का खदशा है। बच्चों के आलमी दिन पर इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों के आदाद शुमार जारी, इसराइली फौज के जुल्म से हर 10 मिनट में एक बच्चा जान से जा रहा है। चीन में सऊदीया समेत इस्लामी ममालिक के वज़रा की अहम बैठक, उर्दन मिस्र फलस्तीन इंडोनेशिया के वज़राए खारजा वफ्द में शामिल, गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वज़ीरे खारजा ने कहा कि गजा में एक बड़ी इंसानी तबाही सामने आ रही है जो दुनिया भर के ममालिक को मुतासर करेगी, गजा की सूरत हाल को जल्द ठीक करने की ज़रूरत है, चीन मशरक़ वस्ती में अमन की बहाली में मदद करने के लिए तैयार है। यमन के हौसी बागियों का इसराइली बहरी जहाज पर अमले समेत कब्जा, बहरी जहाज को अमले समेत कब्जे में करने की वीडियो जारी कर दी, यमनी हौसियों ने इसराइली जहाज कब्जे में लेने का एतराफ़ किया था, यमनी हौसी बहरा अहमद से जहाज को अमले समेत अगवा करके साहली इलाके में ले गए थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हुक्मनामा जारी कर दिया, शिकायत करिंदा आमना मलिक ने तस्लीम किया कि जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत नहीं बनती, ऐलामिया के मुताबिक शिकायत करिंदा आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने या न करने का फैसला बाद में किया जाएगा। अडियाला जेल में 94 मिलियन पाउंड करप्शन केस की 7 घंटे तवील तफ्तीश, चेयरमैन पीटीआई से मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतालिक सवाल पूछे गए, नैप टीम तफ्तीश करके रावलपिंडी से इस्लामाबाद वापस चली गई, चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड 21 नवंबर तक मंजूर किया गया था। नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी, चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा, साबिक वज़ीरे आज़म लाहौर से मरी पहुंच गए, कानूनी टीम से मुशावरत, नवाज शरीफ के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा भी अदालत जाएंगे, अदालती अहकामात पर इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 1,500 अहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। दो तहाई अक्सरियत वाले कहते हैं कि हमारी बात हो गई, अगर इलेक्शन से पहले ही नतीजे तय करने हैं तो अरबों रुपए लगाने का क्या फायदा, एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरने शुरू कर देगा, बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़े, बिलावल भुट्टो ने नौशहरा में नून लीग पर तनकीदी तीर चला दिए, बोले जिमनी और बलदियाती इंतखाबात से भागने वालों को वो जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नजीर तारड़ की वजाहत, कहते हैं कि तकरीर करने से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, सियासी जमातों ने इलेक्शन रूल्स में बास तरमीम पर इत्तफाक किया है, इलेक्शन रूल्स में तरमीम पर सियासी जमातों ने अपना अपना मौकफ पेश किया। वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी का सरगोदा का दौरा, ज्यादती के शिकार बच्ची की अस्पताल में इयादत, वालदैन से हमदर्दी का इजहार किया, कहते हैं कि सरगोदा में जो हुआ वो सिर्फ दरिंदा ही कर सकता है, हुकूमत अफसोसनाक सानहे का 23 ट्रायल कराएगी, मुलजिम को जल्दी और कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
डिफेंस लाहौर में 6 अफराद की हलाकत का केस, कमसिन ड्राइवर अफनान के दोस्त जेरे हिरासत, इब्राहिम, साद और अली हादसे के वक्त साथ थे, गाड़ी अफनान ही चला रहा था, इब्राहिम ने तस्दीक कर दी। डीआईजी इमरान किश्वर ने अपने दफ्तर में तफ्तीश की, अफनान का पोलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा। सरकारी महकमों के शहीद मुलाजमीन के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनेगी, हतमी सिफारिशात तैयार करके केसेस का जायजा लेगी। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अब किसी भी सरकारी महकमे के शहीद होने वाले अफसर या मुलाजिम के लवाहिकीन को पुलिस शहदा के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। शहीद एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ी और जख्मी इंस्पेक्टर सनाउल्ला को इमदादी पैकेज देने की मंजूरी। लाहौर में तरक्याती कामों का जाल, वज़ीर आला पंजाब का बंद रोड कॉरिडोर का दौरा, साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना, पेशरफ्त का जायजा लिया, पैकेज 2 पर काम की रफ्तार तेज करने का कह दिया। मोहसिन नकवी कैवलरी अंडर पास पहुंचे, स्टील फिक्सिंग और एस्फल्ट का जायजा लिया, अंडर पास की छत और फिनिशिंग का बताया गया। खालिद बट चौक अंडर पास का नाम कैवलरी अंडर पास रखने की मंजूरी, वज़ीर आला ने कैवलरी की मुनासिबत से नाम तजवीज़ किया। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर भी मोहसिन स्वीड के मोतरफ, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, कहा कि आप मुतहरक वज़ीर आला हैं, पार्क्स का विजिट करते देखकर खुशी हुई, लाहौर चिड़ियाघर, सफारी पार्क और बागात की अपग्रेडेशन खुशाइन है। मोहसिन नकवी की क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। नील हॉकिंस ने वज़ीर आला को पैट कमिंस और मार्क टेलर के दस्तखत वाली बॉल दी। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद टेस्ट टीम की क्यादत करेंगे, सरफराज अहमद की वापसी, बाबर आजम भी टीम का हिस्सा, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, शाहीन आफरीदी, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, इमामुल हक शामिल, नमान अली, साई मयूब, फहीम अशरफ, हसन अली को भी चांस मिल गया, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, सलमान आगा जगह बनाने में कामयाब, मीर हमजा, एहसानुल्ला, उसामा कादिर भी हिस्सा।